हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इम्पल्स रिस्पांस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम की। तो देखिए, इम्पल्स रिस्पांस क्या होता है कि जब भी किसी कंट्रोल सिस्टम को हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो है एज ए इनपुट देते हैं, तो हमें क्या रिस्पांस मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स रिस्पांस। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर हमारा सपोज कीजिए ये कोई कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, से इफ दिस इज अ सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जीएस है। ठीक, अगर इसको हम इनपुट देंगे क्या, आरएस, और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सीएस। तो हमें मालूम है कि सीएस इज इक्वल टू क्या होता है, सीएस इज इक्वल टू होता है हमारा आरएस इनटू जीएस, वेयर जीएस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। क्लियर। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए हम इसमें इनपुट जो दे रहे हैं, जो हमारा आरटी है इनपुट, ठीक है, वो क्या है, वो हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। ठीक है, यानी यूनिट यानी डेल्टा टी है, ये हमारा इनपुट है। तो अगर इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म रखना है इनपुट का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन बराबर क्या होता है, यूनिटी वन आता है। तो हमारा ये सी एस कितना हो जाएगा, सी एस इज इक्वल टू वन इंटू जी एस, यानी सीधा सीधा सी एस इज इक्वल टू आ गया हमारा जी एस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि, और इसका अगर हम इनवर्स लाप्लास ले लेंगे इस इक्वेशन का, इनवर्स लाप्लास, तो क्या हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा जी टी। यानी कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इनवर्स लाप्लास ऑफ जी एस इज कॉल्ड द इम्पल्स रिस्पॉन्स, और द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स। मतलब किसी भी सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स का। यानी कि किसी भी सिस्टम का अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन, इसको देखिए दूसरे लैंग्वेज में आपको इजी लैंग्वेज बताते हैं, अगर किसी भी सिस्टम का आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो आप क्या कीजिए, आप उसमें इनपुट जो दीजिए वो आप इनपुट दीजिए इम्पल्स फंक्शन। ठीक, और ये इम्पल्स फंक्शन देने के बाद जो आउटपुट मिलेगा आपको वो उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा। अब यह है कि आप इनपुट का पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ठीक, तो इस इक्वेशन से जो हमारा सी एस आएगा वो जी एस के बराबर होगा, और जी एस क्या है, जी एस जो है ट्रांसफर फंक्शन है किसका, जो जिस सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जिस सिस्टम को हम बात कर रहे हैं उसका। ठीक, अब क्या होता है कि ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट ए ट्रू इम्पल्स, ए पल्स विद लेस ड्यूरेशन देन द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज एन इम्पल्स एंड डिनोटेड बाई डेल्टा टी। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले तो आपको ये लेक्चर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है। ठीक है, या यूनिट इम्पल्स क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, अगर ये जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता आप समझ लीजिए कि देखिए इम्पल्स फंक्शन मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हम ले से कोई टाइम टी। ठीक, इम्पल्स फंक्शन मतलब कि जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हाई होगा और फिर लो हो जाएगा। मतलब इसके अगर आप वेव फॉर्म बनाएंगे तो सपोज कीजिए ये इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मान लीजिए इसको हमने नाम दिया डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बहुत छोटा है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इतना छोटा है, केवल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ये फंक्शन की एम्पलीट्यूड हाई होगा फिर लो हो जाएगा। फिर आगे आप चले, आपने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फिर ये हाई होगा फिर लो हो जाएगा। मतलब ये मेन इसमें ये ध्यान रखना आपको, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और यूनिट इम्पल्स क्या होता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, वन। तो यही होता है आपका इम्पल्स सिग्नल या इम्पल्स फंक्शन। अब वो क्या कह रहा है कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट ए ट्रू इम्पल्स, तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि एकदम स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम के लिए आप सिग्नल हाई हो और फिर लो हो जाए। तो फिर हम इम्पल्स किसको लेते हैं,
तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि हम एक इम्पल्स फंक्शन लेते हैं, एक पल्स फंक्शन लेते हैं प्रैक्टिकली, हम क्या करते हैं, ए पल्स विद लेस ड्यूरेशन देन द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज एन इम्पल्स। मतलब प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई हमारी पल्स है तो वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई हो रही है फिर लो हो जा रही है। अब ये मान लीजिए हम डेल्टा टी लें तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो मान लेंगे, और इसका जो भी अगर यूनिट इम्पल्स है तो वन होगा, अगर कोई एम्पलीट्यूड ए है तो ए होगा। ठीक, तो इसी को हम इम्पल्स फंक्शन मान लेते हैं। इसका अगर इसका टाइम ड्यूरेशन, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इफ डेल्टा टी इज लेस देन टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम, अगर सिस्टम के टाइम कॉन्स्टेंट से डेल्टा टी छोटा है तो हम उसको इम्पल्स सिग्नल मान लेते हैं। समझ गए आप? देन वी कैन कंसिडर इट एज इम्पल्स। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लीजिए टी हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, इम्पल्स सिग्नल को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से, ये। ठीक, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको जानना इसलिए जरूरी था कि बगैर इम्पल्स रिस्पॉन्स जाने आगे ट्रांसफर फंक्शन के अगर आपको न्यूमेरिकल वगैरह आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जनरली से इसको आप अगर इसकी वेव फॉर्म बनाए तो, मान लीजिए आपने इम्पल्स फंक्शन बनाया तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे ये है, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये आपका एम्पलीट्यूड एक्सिस हो गया, आरटी सिग्नल है। ठीक, और आपने ये इस तरह बनाया इम्पल्स फंक्शन जीरो से ए तक। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस ड्यूरेशन को हम बोलेंगे डेल्टा टी। ठीक, और इसको यूनिट इम्पल्स करना एज ए टेंड्स टू, एज ए टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहीं पे आप बना दीजिए ऐसे, या मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम और ये सपोज कीजिए, आपका यहीं पे बन जाएगा, सीधे बना दीजिएगा ऐसे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट इम्पल्स एज ए टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा यूनिट इम्पल्स एज ए टेंड्स टू जीरो। इसका यूनिट मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है ये वन है। क्लियर? तो यही मेन है कि इम्पल्स सिग्नल क्या होते हैं और इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है कैसे आप निकाल सकते हैं किसी भी उसके लिए फंक्शन के लिए। अब मान लीजिए हम लोग एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन पे। मान लीजिए आपको कोई सिस्टम दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये आपको एक सिस्टम दिया है आर, ये दिया है एल, और यहाँ आपको आउटपुट लेना है। दिस इज अ सिस्टम गिवेन, दिस इज आर, दिस इज एल, यहाँ पे वी नॉट लेंगे, यहाँ पे वी आई अप्लाई होगा। ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, इस सिस्टम का हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अब मान लीजिए हम लोग जैसे केवीएल केसीएल लगाते आए हैं, अब इसके अंदर क्या है कि देखिए, एक तो मेश ये हो गया, मेश क्या होता है, लूप क्या होता है, ये सारी सारी वीडियोस जो है चैनल पे अवेलेबल है। अगर किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन हो कि मेश में और लूप में क्या डिफरेंस होता है तो आप उन वीडियो को रिफर कर सकते हैं। मान लीजिए एक मेश वन ये हो गया और मेश टू ये हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मान लिया कि कोई करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक, तो अब अगर हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा अप्लाई केवीएल इन मेश वन, मेश वन में आप केवीएल लगाइए तो क्या हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू, वी आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी। केवीएल केसीएल ये सारी वीडियोस अवेलेबल है, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो वो सब लेक्चर आप रिफर कर लीजिए, तो कंफ्यूजन रहेगा तो आगे जितना कंफ्यूजन आप लेके चलेंगे साथ में उतनी प्रॉब्लम होगी। तो कैसे लगाना है केवीएल, किधर प्लस आएगा किधर माइनस आएगा, ये सब कुछ मैं अपनी लेक्चर्स में अच्छी तरह इजिली समझा चुका हूँ, उसको आप लेक्चर को रिफर कर लीजिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट लाइन में मेंशन कीजिए मुझे, मैं उसको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा आपको दोबारा से। ठीक, ये हमने लगाया मेश वन में, और फिर मेश टू में हम लगाएंगे अप्लाई
केवीएल इन मैश टू, तो मैश टू में आप लगाएंगे तो सीधा सीधा वी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू और वन हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे हम इनका लाप्लास, दोनों इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दीज टू इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आई एस, पहली इक्वेशन हो जाएगी वी आई एस इक्वल टू आर एस, नहीं आर तो रेजिस्टेंस है ना, तो आर को आप ऐसे लिखिए, ये आर एस नहीं होगा, आर होगा केवल, कैपेसिटर और इंडक्टर में ये ऐसे इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आर इंटू आई एस प्लस, अब एल का क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जो है जो उनकी 12-13 प्रॉपर्टीज है एटलीस्ट उसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि अब देखिए इसका हम लाप्लास लेंगे तो क्या आएगा, इसका लाप्लास आएगा एस एल आई एस। अब आप कहेंगे सर ये एस कहाँ से आ गया, तो ये वही प्रॉपर्टीज से आ गया। तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखिए। ठीक, और सेकंड हो जाएगा आपका वी नॉट एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस ऑफ एल आई एस। तो अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आप वी नॉट अपॉन वी आई निकालिए तभी ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा। तो अब यहाँ से आप जब निकालेंगे वी नॉट एस इज इक्वल टू वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस एल आई एस डिवाइडेड बाई आर प्लस एस एल इंटू आई एस। ठीक, अब आई एस से आई एस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन, सीधा सीधा आ जाएगा वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इज इक्वल टू एस एल अपॉन आर प्लस एस एल। ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम। क्लियर, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट लाइन में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, सपोज कीजिए से क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका, ये दिया है से रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टेंस और फिर ये पैरेलल ब्रांच में कैपेसिटेंस, और इसका कह रहा है कि आप ट्रांसफर फंक्शन जो है निकालिए। तो ये वी आई हो गया, ये वी नॉट हो गया, सी एल आर। ठीक, तो जैसे अभी हम लोगों ने किया था वैसे ही एक मैश वन ये हो गया, मैश टू ये हो गया, और हमने क्या किया ये हमने आई मान लिया। तो अब केवीएल लगाएंगे, मैं सीधा देखिए क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, केवीएल आप लगाएंगे इस पे तो वी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस वन अपॉन सी। ये इक्वेशन लिखने में दिक्कत आ रही होगी अगर कि कैपेसिटर के अक्रॉस इतना वोल्टेज कैसे हो गया, सॉरी ये और इंडक्टर के अक्रॉस इतना वोल्टेज कैसे हो गया, ये सारी बेसिक लेक्चर मैं फिर से आपसे बोलूँगा चैनल पे अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्टर, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर सब कुछ मैं शुरू से लेके चला हूँ। तो अगर किसी को जरा भी कन्फ्यूज़न है तो उन लेक्चर को आप रिफ़र कर लीजिए, आपको इनमें से कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक, तो ये हो गया मैश वन के लिए। अब मैश टू में आप लगाएंगे तो वी नॉट बराबर कितना आ जाएगा, वी नॉट बराबर आ जाएगा वन अपॉन सी आई डी टी। अब फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, ले टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा वी आई एस इज इक्वल टू आर आई एस प्लस एस एल आई एस प्लस वन अपॉन एस सी आई एस। ये आएगा पर इक्वेशन वन का। अब इक्वेशन टू का क्या हो जाएगा, या इसको पहले और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई एस बाहर ले लीजिए तो कितना आ गया आर प्लस एस एल प्लस वन अपॉन एस सी, ये आ गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं आई एस, और अगर आप एल सी एम ले लेंगे एस सी को
तो कितना हो जाएगा, आर सी एस प्लस एस स्क्वायर एल सी प्लस वन, ये आ गया। और यहाँ पे जब आप वी नॉट को लेंगे तो वी नॉट एस हो जाएगा आपका इक्वेशन टू को, जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हो जाएगा आई एस और आर सी एस, ठीक है, आई एस इंटू वन अपॉन एस सी, ये आ जाएगा इक्वेशन, मान लीजिए वन और टू। अब आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, वी नॉट अपॉन वी आई, ठीक। तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा, आप सिंपली यहाँ पे वी नॉट एस अपॉन वी आई एस कर दीजिए, ठीक। तो ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा, आप इसको कर लीजिएगा आई एस अपॉन एस सी इंटू एस सी अपॉन आई एस इंटू एस स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस वन, ये आ जाएगा। अब आई नॉट से आई नॉट कैंसिल कर दीजिए, एस सी से एस सी कैंसिल कर दीजिए, तो सीधा सीधा ट्रांसफर फंक्शन कितना हो गया, ट्रांसफर फंक्शन आ गया आपका वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इज इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन एस स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस वन, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से किसी भी गिवन सिस्टम का आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और न्यूमेरिकल करा दूं ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।